हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में भी एक नया रिक्वायरमेंट आया है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा रिक्वायरमेंट क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, कौन लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, पूरा डिटेल से आज इस व्लॉग में डिस्कस करने वाला हूँ। व्लॉग एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पर्टिकुलर एज आप कैसे अप्लाई करना है क्या है बोल के। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आप बेल आइकन प्रेस करके आल कर प्रेस कीजिए, जो मेरे चैनल से नया वीडियो देगा आपको नोटिफिकेशन मिलता है बी फ्यूचर में और आगे चल के भी। दोस्तों गर्मी बहुत है, धूप बहुत पड़ रही है, बाहर हूँ मैं राइट नाउ, शूटिंग कर रहा हूँ, जल्दी से व्लॉग ख़त्म कर देता हूँ। ये तो गर्मी बहुत हो रही है, आँखें भी नहीं खुल रही मेरे, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफटा बोल देता हूँ। अब थोड़ा अच्छे से सुनिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। आज की वैकेंसी निकला है सऊदी अरेबिया कंट्री के लिए। ये सऊदी अरेबिया कंट्री में फाइव स्टार होटल में निकला है हाउसकीपिंग अटेंडर के लिए। हाउसकीपिंग का काम क्या रहता है आप सभी को मालूम है। हाउसकीपिंग का काम ये रहता है कि जो भी आपको रूम दिया जाएंगे, जो भी आपको लार्ज रहेगा उसको नीट से बराबर से रखना रहेगा, और बेड सेट करना पड़ेगा, वॉशरूम क्लीन करना पड़ेगा, जो भी गेस्ट आते जाते उसको ग्रीट करना पड़ेगा, ये सब कुछ हाउसकीपिंग अटेंडर में जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं। और जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मालूम करना है तो आपको जाके गूगल कर सकते हैं, तो यूट्यूब में देख सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, गूगल में आपको बहुत सारे पैराग्राफ मिल जाएंगे, आप रीड आउट करके समझ सकते हैं। मैं बताते जाएगा तो व्लॉग लंबा हो जाएगा, आपको भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा और मेरे को भी गर्मी बहुत है इसलिए नहीं बोल पाएगा। अब जाके सिंपल से आप गूगल कर सकते हैं। और इसकी सैलरी आके तकरीबन 1400 सऊदी रियाल, मतलब इंडियन करेंसी 28,000 तक रह सकती है। और ओटी भी है इसमें, या 9 आवर्स ड्यूटी है, डेली 2 OT कर सकते हैं, डेली 2 आवर्स OT कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, डिपेंड आप ऊपर है। 1 वीक में 8-6 दिन काम करना पड़ेगा, 1 दिन छुट्टी है, और इसमें टिप्स भी अलाउड है, टिप्स अच्छे खासे आते हैं इसमें। ये फाइव स्टार होटल में रिक्रूटमेंट निकल के आया है एज ए हाउसकीपिंग अटेंडर के लिए। इसमें आपकी सैलरी सीखना, आपकी टिप्स ज़्यादा मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। कंपनी आपको फ्री अकोमोडेशन दे रही है, फ्री ट्रांसपोर्ट दे रही है, फ्री मेडिकल दे रही है, फ्री इंश्योरेंस दे रही है, फ्री फूड भी आपको कंपनी प्रोवाइड करे, नॉट एट ऑल इशू। आपको 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा काम करना है, खाना है पीना है सोना है, बस इतना ही काम रहता है। इसमें टिप्स भी अलाउड है, अच्छा इसमें अच्छा खा पी के तकरीबन 45,000 to 55,000 इस दरमियान तक अर्निंग कर पाएंगे पर मंथ। ऑलमोस्ट जो भी बंदे जाके काम कर रहे हैं सेम फील्ड में, वो लोग बोले हैं मेरे को कि भाई खा पी के हम 45,000 to 50,000 तक अब सेव कर सकते हैं, 55 तक टिप्स मिला के करके। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन बात है ये। जो कोई भी ये जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, जिस किसी के पास एक्सपीरियंस है सेम फील्ड का है, जैसे हाउस कीपिंग अटेंडर, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। आपके पास ECNR पासपोर्ट चाहिए, आप एज के आके 35 बिलो चाहिए, 22 ईयर से 35 बिलो चाहिए, इस दरमियान एज वाले इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रहना चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़ना बोलना और लिखना आना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही मस्ट एंड शुड ये जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है नॉट एट ऑल इशू, गल्फ का है नहीं तो कोई भी जिस भी कंट्री का एक्सपीरियंस है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के। और ये जॉब अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है बताता हूँ। ये जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड CV, वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट कॉपी फ्रंट एंड बैक, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी करके बताया लोगों ने। पूरे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया, पूरे स्कैन कापी चाहिए, फोटोग्राफ का भी चाहिए, पूरे स्कैन कापी करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के ईमेल एड्रेस को फॉरवर्ड कीजिए। ये घी वाला कंसल्टेंसी बहुत अच्छी, बहुत जेन्युइन कंसल्टेंसी, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंसल्टेंसी, नॉट एट ऑल इशू, नॉट एट ऑल टेंशन। और ये पेड सर्विस चार्ज है, कितना है क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को कॉन्टैक्ट नंबर डाल के जाके चेकआउट करके कॉल करके बातचीत कर ले सकते हैं। सर्विस चार्ज कितना है क्या है वो लोग खुल के बता देंगे आपको। हर ब्लॉग में कहता रहता हूँ किसी भी एजेंट को किसी भी कंसल्टेंसी सिंगल रुपये और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दीजिए। और ये सिलेक्शन प्रोसेस, आपका CV सिलेक्शन होगा, उसके बाद आप इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपको गमका मेडिकल करेंगे, गमका मेडिकल वो वीज़ा आएगा, वीज़े के बाद आप चलते बनो सऊदी अरेबिया। ऑलरेडी वीज़ा ले लेके है, वकाला रेडी है, विद इन डिपार्चर इन 30 days to 40 days करके बताया लोगों ने, 30 दिन से 40 दिन तक आपका डिपार्चर हो जाएगा पूरा प्रोसेस पूरा। और आज के ब्लॉग में इतना ही, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया डिसलाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। जो भी क्वेश्चन है, जो आपके डाउट्स है, बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। ये ब्लॉग डेफिनेटली शेयर कीजिए दोस्त को, भाई को, रिश्तेदार को, जान पहचान, जो कोई हाउसकीपिंग काम कर रहा है इंडिया में नहीं तो गल्फ में करके आ चुका है, उनको गोल्डन चांस है सऊदी अरेबिया में फाइव स्टार होटल में काम करने के लिए एज ए हाउसकीपिंग अटेंडर के लिए।
ठीक है दोस्तों, जो कोई मेरे से पर्सनल से बातचीत करना चाहता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम लिंक देके जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज है जफरुल्ला बादशाह, इंस्टाग्राम पेज है जफरुल्ला बादशाह, आपको दोनों दिख रहेंगे। सिंपल से फेसबुक इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, सर्च बार में जाइए, यूजर नेम टाइप कीजिए जफरुल्ला बादशाह, मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, देखिए क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए, मोर अपडेट्स भी देता रहता हूँ जॉब्स के रिलेटेड। जो कोई पर्सनल से बातचीत करना चाहता है उधर मैसेज कीजिए, आपको मैसेज का बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा, नहीं तो मैं खुद आपको कॉल करने की कोशिश करेगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, ख्याल रखें अपना भी इस चैनल का।